बट सर हमें ये बताएं कि आज जो आपने क्रिस्टल जर्नलिस्टों की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग का क्या मकसद था? जी थैंक यू, सबसे पहले नेशनल न्यूज़ जमा का शुक्रिया और ललित साहब आपका भी। मैं आज ये मैं नॉर्थ ईस्ट लाइन्स पाकिस्तान में हमने जो फैसलाबाद के मरूफ और सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो मुख्तलिफ अखबार से टी वी चैनल से जिनका तबक है और तमाम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने इनकी मीटिंग बुलाई और इनके साथ हमने मौजूदा जो सूरत हाल है जो कम्यूनिटी के दरपेश मसाइल हैं उसके हवाले से और दीगर जो हमारे जर्नलिस्ट के साथ मसाइल थे उन सबको बड़ा ब्रीफली डिस्कस किया। मैंने अपने मिनोरिटीज बैंक पाकिस्तान की जितनी भी आइडियालॉजी थी उनके सामने रखी और तमाम हमने पानी मिलजुल कर एक तो मैं आज मैंने महसूस किया कि किस तरह हमारी जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है वो कितनी परेशान है साना जगह वाले से साना सदा से और वो तमाम लोग जो हैं वो मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी परेशान हैं और अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। तो हमने आज ये तय किया है कि हम मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं वो अपने कैमराज के जरिए अपने कलम के जरिए कौम की आवाज़ को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और हम इनके साथ अपने शुबे में रहते हुए अपने पोलिटिकल जो हमारा सियासी किरदार है उसमें ये हमारे शाना बशाना होंगे। तो हमने ये इतफाक़ किया है कि हम मिलकर इस तरह की मीटिंग्स जारी रखेंगे और बाकी जो हम एक दूसरे की ग्रूमिंग करेंगे सीखने सिखाने का अमल जारी रखेंगे और मिलकर हम जदोजहद करेंगे ताकि जो मिनोरिटीज़ के इशू है उसको अच्छे तरीके से मिनोरिटीज़ लाइफ पाकिस्तान के साथ मिलकर उसको हाईलाइट किया जाए और हम मुझे लोगों का आने वाले दिनों का मुकाबला कर सकें। मुझ सब आप समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है हम सब जर्नलिस्टों को एक पेज पर होना चाहिए? आज मनाली लाइन्स के चेयरमैन जनाब अकबर भट्टी साहब ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने मौजूदा सूरत हाल मिनोरिटी के साथ सलूक हो रहा है पाकिस्तान में उसके बारे में ब्रीफिंग दी और उसके सदेबाद के लिए कुछ काम करने के लिए कामन फीजी ख्वाहिश का आधार किया। जिसमें दो भी जर्नलिस्ट आए हुए थे उन्होंने उनका भरपूर साथ देने का इरादा किया और उनके साथ से चलने का भी इरादा था। अब मिनोरिटी अलायंस जनाब अकबर भट्टी साहब ने कुछ दोस्तों को सानिया जनाब और सानिया सबूता के बारे में जिसके हवाले से सब जर्नलिस्ट और मीडिया के दूसरे लोग भी इससे परेशान हैं कि पाकिस्तान में और मिनोरिटी से शायद क्या सही हो रहा है। इसका इस हुकूमत को कोई बेहतरीन सदा करना चाहिए ताकि ये आए दिन के वाकियात ना हो सके और इनका बढ़ावा दिया जा सके ये तय किया है अपना सब तन मन धन इस अपनी पूरी कौम को आगे लेके बढ़ने के लिए कचरा है बेगाना है अब सब कुछ इसी के लिए बर्दाश्त करना है और बाहर निकलना है अपनी कौम को बचाने के लिए तमाम कंस्टिट्यूएंट्स।